जब दोस्तों मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ और उस कमेंट के मैं रिप्लाई देता हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जो कि बहुत ही काम के होते हैं। अगर मैं उस कमेंट का एक भाई को रिप्लाई दे दूंगा तो काफ़ी सारे मेरे ऐसे भी भाई होंगे जिनकी भी सेम प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए दोस्तों मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है इसके ऊपर दोस्तों मुझे किसी ने कमेंट किया था कि भाई लैपटॉप का हीट होने से कैसे रोकें, अगर मैं उसको रिप्लाई दे देता तो ये उसी को ही काम आ सकता था, किसी और को काम नहीं आ सकता था। इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाई है इस टॉपिक के ऊपर, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लैपटॉप को हीट होने से रोकने के दो तरीके बताने वाला हूं जो कि बहुत ही काम के तरीके हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेता हूं, ये 100% वर्क करेंगे, लेकिन कुछ हद तक ये आपके लैपटॉप को हीट होने से बचा सकते हैं। तो पूरा देखना इस वीडियो को बिना स्किप किए। और दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश, आप सभी का स्वागत है प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी आवाज़ के सिवाय दूसरा कोई बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रहा हो तो उसे आप लोग इग्नोर कर देना, क्योंकि वो पंखे की आवाज़ है जिसके बिना दोस्तों वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए दोस्तों मैंने पंखा चालू रखा है तो इसे इग्नोर कर देना। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपका लैपटॉप किस कामों के लिए बना है। अगर वो नॉर्मल कामों के लिए बना है तो आप लोग उसमें नॉर्मल वर्क करिएगा, नॉर्मल गेमिंग करिएगा, नॉर्मल गेमों को चलाइएगा, वरना दोस्तों आपका लैपटॉप हीट हो जाएगा और ज़्यादा हीट हो गया तो दोस्तों वो खराब भी हो सकता है। तो इस बातों का आप लोग ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे तरीके के बारे में। तो दोस्तों ऑनलाइन में आप लोगों को कूलिंग पैड मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप लोग अपने लैपटॉप को हीट होने से बचा सकते हैं। मैं आप लोगों को दोस्तों इतनी तो गारंटी नहीं दूंगा कि आपका लैपटॉप पूरी तरीके से हीट होने से बच जाएगा, लेकिन कुछ हद तक ये जो कूलिंग पैड आते हैं वो आपके लैपटॉप को गर्म होने से बचाएंगे, हीट होने से बचाएंगे। और कुछ कूलिंग पैड की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि बेस्ट कूलिंग पैड होंगे। अगर आप लोग लेना चाहें तो नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, यानी कि तीसरी बात जानते हैं कि लैपटॉप को हीट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके लैपटॉप में कुछ ऐसे अनयूजफुल सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं जो कि बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, उन्हें आप लोग अनइंस्टॉल कर देना ताकि वो आपकी रैम को, आपके सीपीयू के प्रोसेसर या फिर जो भी है उसे खर्च नहीं करेंगे और आपका लैपटॉप ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो दोस्तों कुछ यही तरीके थे जिसकी मदद से आप लोग अपने लैपटॉप को हीट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।